वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर से गैंगरेप की एक घटना सामने आई है, जिसमें बीजेपी से संबंध रखने वाले गांव कुंटा खेड़ी में सरपंच के पति समेत 5 लोगों पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों ने 40 दिन पहले एक महिला के साथ गैंगरेप कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले गांव कुंटा खेड़ी के सरपंच के पति सहित 5 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि 40 दिन पहले इन 5 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आपको बता दें कि सभी आरोपी इस मामले में फरार चल रहे हैं। मंदसौर पुलिस के मुताबिक गैंगरेप करीब 40 दिन पहले हुआ था, जब बीजेपी सरपंच के पति और मुख्य आरोपी दशरथ गुर्जर ने पीड़िता को मंदसौर बुलाया था। पीड़िता के साथ गुर्जर और नाहरगढ़ क्षेत्र के 4 अन्य लोगों द्वारा गैंगरेप किया गया। पीड़िता को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि पीड़िता ने अपने पति को गैंगरेप के बारे में बताया था, जिसके बाद दशरथ गुर्जर के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार नाराज दशरथ गुर्जर पीड़िता के घर पहुंचा और उसके पति पर हमला बोल दिया। इस दौरान गर्म धातु से पीड़िता के निजी अंगों पर हमला भी किया गया। पीड़िता ने मंदसौर जिला SP सिद्धार्थ चौधरी से संपर्क किया, जिसके बाद मामले की प्रारंभिक जांच की गई और आखिरकार मामला रविवार को दर्ज कर लिया गया। नई आबादी पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर पुष्पा चौहान ने कहा है कि 5 लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है, जिनकी पहचान की गई है, लेकिन सभी आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुष्पा चौहान ने कहा है कि एक टीम रविवार को संबंधित स्थानों पर गई थी, लेकिन आरोपियों में से कोई भी नहीं मिला। वे सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं, लेकिन हम उनकी तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि पीड़िता के मेडिकल परीक्षण में एक धातु पदार्थ के साथ निजी भागों पर हमले के आरोप की पुष्टि हो चुकी है। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके 4 साल के बच्चे और पति को भी मारने की धमकी दी है। पुलिस ने दावा किया है कि उसकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? 40 दिन बाद भी आखिर पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज़।